तो आज का हमारा सेशन है पिवट टेबल, ठीक है। तो पिवट लगाना तो आता है, ऑल डीपी शॉर्टकट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि पहले मैं यहाँ पे, हाँ, पर सबसे पहले ग्रुपिंग देखते हैं। ग्रुपिंग मालूम है? ग्रुपिंग, अब जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये मुझे किसी, मुझे जो सेल्स है, चलो प्रोडक्ट यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ सेल्स क्वांटिटी डाल दी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार मुझे मंथली सेल पता पड़ जाए कितनी है, जनवरी में कितनी, फरवरी में कितनी, मार्च में कितनी, ये। तो इसको कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ पे दो हैं, एनालाइज एंड डिज़ाइन, ठीक है। ये 2013 में एनालाइज है, कईयों में ऑप्शन के नाम से होता है, ठीक है, पुराने वालों में, ठीक है। पर ऑप्शन यही मिलेगा आपको जो है ग्रुप फील्ड, ठीक है। ये ग्रुप, ग्रुप के अंदर ग्रुप फील्ड का ऑप्शन है। तो ग्रुप फील्ड के ऑप्शन में क्या करना है आपने, देखो ये डिसेबल रहेगा अगर आपका क्लिक किसी रो या कॉलम फील्ड पे नहीं है तो, ठीक है। टेक्स्ट पे भी डिसेबल रहता है, नंबर और डेट पे ग्रुप फील्ड आपका काम करेगा, ठीक है। अब ग्रुप फील्ड करोगे, यहाँ मंथ सिलेक्ट कर लोगे, ओके करेंगे, ये आ गया, ठीक है। हाँ, पर अभी जो आ रही है, क्योंकि डेट मेरी कई ईयर्स में एक जैसी है, तो जनवरी सारे ईयर की जनवरी का टोटल दिखा रहा है ये, ठीक है। तो अब हमें चाहिए कि यार ईयर वाइज आ जाए, ईयर वाइज मंथ वाइज आ जाए। तो इसमें आप मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हो, ईयर कर दिया आपने तो किस ईयर में कहाँ कितनी सेल्स है वो आ रहा है, ठीक है। इसी को आप चाहे तो क्वार्टर में चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब क्वार्टर में, अब जैसे कि देख रहे हो, अभी मैं जैसे प्रोडक्ट हटा देता हूँ, चलो खाली सेल्स की बात करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसमें दो फील्ड ऐड की, जैसे ईयर और मंथ, तो यहाँ पे आपकी ईयर की एक और फील्ड एडिशनल आ गई। इन फील्ड्स के साथ भी आप ऐसे ही ड्रैग ड्रॉप का कर सकते हो। तो जैसे मैं ये डेट का जो क्वार्टर वाटर है वो यहाँ पे ले आया, तो इस रिपोर्ट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या मंथ को यहाँ पे डाल सकता हूँ, कुछ भी इस तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो है डेट की ग्रुपिंग। और अनग्रुप करने के लिए आपके पास ये वाला बटन है, अनग्रुप कर दिया, ठीक है। तो चलो अभी डेट का काम ख़त्म हो गया, नेम मैं ले आया यहाँ पे, और क्वांटिटी मेरे पास ये है कि कितनी क्वांटिटी सेल हुई थी सेल्स अमाउंट के, अभी क्वांटिटी डाल दी। अभी क्वांटिटी को मुझे स्टैक में दिखाना है, जैसे 10 से 20 की कहाँ सेल हुई, 20 से 30 की कितनी सेल हुई, 30 से 40 की कितनी सेल हुई, ऐसे स्टैक करना है। तो भी मैं इस पे क्लिक करूँगा और ग्रुप फील्ड के अंदर जाऊँगा, अब ये नंबर वाले ऑप्शन देगा, ठीक है। तो आपने अगर 10 10 के ग्रुप बनाने हैं तो 10 के बना दो, 20 के बनाने 20 के बना दो, इस तरीके हैं। यहीं से हम अनग्रुप कर देंगे, ठीक है। तो हमने देखा डेट का और नंबर की ग्रुपिंग कैसे की जाती है, अब देखते हैं टेक्स्ट की ग्रुपिंग कैसे करते हैं। नेम को मैं इधर ले जाता हूँ, या नेम को, हाँ नेम को चलो इधर ले जाता हूँ, सिटी को इधर ले जाता हूँ। तो सिटी में जैसे कि हम देख रहे हैं कि फरीदाबाद, नोएडा, दिल्ली, ये आ जाता है एनसीआर में। तो एनसीआर की इकट्ठा देखना चाह रहा हूँ सेल, तो आप इसको सिलेक्ट कर लो, यहाँ से ग्रुप कर लो, ग्रुप सिलेक्शन, ग्रुप वन बन गया। इसका आप चाहो तो नाम बदल सकते हो, ठीक है, लिखने से ही चेंज हो जाएगा। तो ये आपकी एनसीआर की सेल, अभी जैसे यहाँ पे टोटल नहीं आ रहा है, तो आप इस पे राइट क्लिक करके सब टोटल सिटी टू करके इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। और ये मान लो कि अदर्स में डालना है, या ये सारा मैं डाल देता हूँ हरियाणा में, ठीक है। तो इसको मैं ग्रुप सिलेक्शन कर देता हूँ, ग्रुप टू को मैं दे दूंगा हरियाणा, ठीक है। तो मेरे पास दो ग्रुप बन गए जिनका ये है। जैसे ये यहाँ पे ग्रुप बने तो ये सिटी टू नाम से एडिशनल फील्ड आ गई, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। नेम के ऊपर ले जाऊँ तो एनसीआर की और हरियाणा की, ठीक है। और इनको अगर मुझे करना है अनग्रुप, तो अनग्रुप करने के लिए इसको मुझे क्लिक करना पड़ेगा दोनों को, ऐसे ऐसे क्लिक कर देता हूँ कंट्रोल दबा के, और अनग्रुप। टेक्स्ट की ग्रुपिंग
इस वाले ग्रुप सिलेक्शन से होती है, ठीक है, यहाँ वाले से। तो ये था हमारा ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग के बाद आते हैं कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम में। तो फील्ड्स कौन सी होती हैं? फील्ड आपकी वो होती हैं, जैसे ये चीज़ है, ये पिवट टेबल फील्ड है। अब फील्ड के अंदर, किसी फील्ड के अंदर जो डेटा आ रहा है, जो रो या कॉलम में ये जो यूनिक डेटा आता है, इनको हम कहते हैं फील्ड आइटम्स। तो सबसे पहले देखते हैं कैलकुलेटेड फील्ड कहाँ पे काम आती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ चार सेल्स हैं, मान लो चार दिन की सेल्स हैं, मुझे ऐसा चाहिए कि मैं चारों का टोटल देखना चाहूँ, तो या तो मैं इधर जाके एक टोटल का फील्ड बनाऊँगा वहाँ से, तब दिखाई देगी, है ना। पर कई बार डेटा में चेंज नहीं करना होता है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्रैंड टोटल दिख रहा है ना आपको, ये सिर्फ एक फील्ड के लिए ही आता है ग्रैंड टोटल। जैसे ही आप यहाँ पे दूसरी फील्ड ट्रैक करोगे तो उसका ग्रैंड टोटल जो है वो अलग आ रहा होगा। आप देखोगे यहाँ पे सेल्स वन का अलग आ रहा है, सेल्स टू का अलग आ रहा है, इन दोनों का इकट्ठा नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, हमारा क्लिक इधर होना चाहिए, इधर ही आपका है कैलकुलेशन ग्रुप के अंदर फील्ड आइटम्स एंड सेट, इसके अंदर ऑप्शन है कैलकुलेटेड फील्ड, ठीक है। कैलकुलेटेड फील्ड में मैं करूँगा टोटल, और यहाँ पे मुझे फार्मूला देना पड़ेगा। फार्मूला क्या दूंगा, सेल्स वन प्लस, मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये हम कर सकते हैं नॉर्मल कैलकुलेशन, ठीक है, ठीक है, ऐड करेंगे, ओके। तो ये हमारी टोटल की फील्ड आ गई, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कैलकुलेटेड फील्ड हमने देख ली, आप कितनी भी कैलकुलेटेड फील्ड ऐड कर सकते हो कैलकुलेटेड फील्ड के ऊपर कैलकुलेट, इसको भी अलग कैलकुलेशन में, जैसे एवरेज निकालनी है तो टोटल डिवाइडेड बाय फोर करके कर सकते हो वहाँ पे अलग से। अब कैलकुलेटेड आइटम, कैलकुलेटेड आइटम तभी आपका विजिबल होगा जब आपका क्लिक कैलकुलेटेड के मतलब किसी आइटम पे होगा। आइटम कौन सा हो गया, जो रो या कॉलम के अंदर यूनिक डेटा होता है, ठीक है। तो हम इनके लिए फॉर्मूला दे सकते हैं। अब जैसे मैंने करा था कि NCR, ठीक है, NCR, और इसमें डाल दिया मैंने, यहाँ पे ये फील्ड है और उसका आइटम आ रहे हैं फरीदाबाद प्लस नोएडा प्लस दिल्ली, ऐड कर दिया, ओके। तो यहाँ पे देखोगे NCR की एक एंट्री आ गई। पर इसमें ये ध्यान रखना होता है, देखो ग्रुप में तो टोटल को इफेक्ट नहीं होता, इसमें टोटल को इफेक्ट होगा, आपका ग्रैंड टोटल इससे इफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो या तो उससे हम फिल्टर से हटाएंगे या जो भी, ये क्योंकि ये टोटल मान्य नहीं होगा उस टाइम, ठीक है। अब जैसे आपके पास मान लो ऐसी पिवट आ गई, तो आपको पता कैसे पड़ेगा कि उसमें मतलब कि कैलकुलेटेड फील्ड लगी है या नहीं लगी है, है ना। तो ये आपको पता लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो जैसे NCR है, आप देखोगे यहाँ NCR ढूंढने लगे, यहाँ तो मिलेगा नहीं, ऐसे ही टोटल जो है यहाँ पे वो यहाँ नहीं मिलेगा, है ना। तो इसके लिए हम पास है टूल लिस्ट फार्मूलाज। जैसे ही क्लिक करोगे एक अलग शीट पे आपके पास कैलकुलेटेड फील्ड कितनी है, क्या है, क्या फार्मूला है, कैलकुलेटेड आइटम कितने है, क्या है, क्या फार्मूला है, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। अब इनको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, जैसे कैलकुलेटेड फील्ड को करना है तो आपने जाना है कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर, यहाँ से पहचान में नहीं आएगी, यहाँ से देखना है आपने, ठीक है। हाँ, ये ड्रॉप डाउन है ना, यहाँ पे ये फार्मूला आ जाएगा, चाहे मॉडिफाई करना है चाहे डिलीट करना है, यहाँ से कर सकते हैं। कैलकुलेटेड आइटम इस पर ही क्लिक होना चाहिए क्योंकि तभी दिखाएगा। कैलकुलेटेड आइटम पे गए और सिर्फ वहीं से ही ये भी आ जाएगा, डिलीट या मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब मान लो मैंने सेल्स ले ली, तो कैलकुलेटेड आइटम और कैलकुलेटेड फील्ड देखी। हाँ, ये चीज़ें जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। मान लो आपने कैलकुलेटेड फील्ड लगा दी और ग्रुपिंग लगा रखी है, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, आपको बार बार यही एरर देगा कि आपने ये चीज़ अप्लाई कर रखी है, तो आपको जाके रिमूव जरूर करनी पड़ेगी। भले ही क्या, जैसे आपने यहाँ ग्रुपिंग लगा रखी है और इसको यहाँ से हटा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्रुपिंग हट गई है, वो रहती है, वो आपको वापस ला के फिर हटानी पड़ेगी, ठीक है।
अब जैसे कि मैंने ये मान लो कि सेल्स निकाल ली इनकी, अब मुझे देखना है कि यार जैसे ये अगर ये 100% है तो ये सेल इसका कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, परसेंटेज में डाटा चाहिए होता है कई बार। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं ना, जैसे हम सम काउंट, वो तो आपको पता ही है सम काउंट, और क्या होता है नंबर फॉर्मेट भी होता है, नंबर फॉर्मेट यहाँ से अप्लाई करेंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, जो भी आपने करेंसी का देना है, अकाउंटिंग का देना है, वो यहाँ से दे। ठीक है, और दूसरा ये हर एक फील्ड के लिए अलग होता है। इसके बगल में देखोगे तो शो वैल्यू एज है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो दिखा रहा है नो कैलकुलेशन दिखा रहा है, मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं है, वैसे ही दिखा रहा है। परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, तो जो मैं कह रहा हूँ वो डाटा अब आएगा आपका, ये हो गया 100%, ये हो गया 2.83%। ठीक है, अब मान लीजिए कि जैसे मैंने ये लेके आ गया, परसेंटेज का लेके आ गया, अब किसी ने कहा कि यार पहले वाली वैल्यू दिखाओ, है ना, कि मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या है, परसेंटेज भी चाहिए और वो वैल्यू भी चाहिए। हाँ, तो ये वही वाली फील्ड को दोबारा ड्रैग कर लो, तो ये अंडरस्कोर टू के नाम से आ जाएगी। ठीक है, तो ये सेल्स अंडरस्कोर टू के नाम से आ रही है कि ये परसेंट है और ये वैल्यू है। ऐसे ही आपका यहाँ पे भी आ रहा है कि ये परसेंट है, ये वैल्यू है। ठीक है, इसको थोड़ा सा विजिबिलिटी क्लियर करने के लिए क्या करना है, जब भी आपकी एक से ज़्यादा फील्ड होगी आपके वैल्यू के सेक्शन में, तो क्या होगा, यहाँ पे एक वैल्यू का फील्ड और क्रिएट होती है। ठीक है, ये वैल्यू की फील्ड किस लिए होती है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे नेम है पहले, तो सबसे ऊपर आपका आ रहा है नेम, उसके बाद आ रहा है वैल्यूज आ रहा है, तो मतलब वैल्यूज फील्ड के अंदर जो पड़ी हुई हैं सेल्स वन सेल्स टू, वो आपकी नीचे आ रही है। ठीक है, वो यहाँ आएंगी, आप चाहो तो इसको ऊपर कर दोगे, ऊपर करने से क्या होगा, वैल्यू फील्ड वाली यहाँ पे सेल्स वन आपकी इकट्ठी दिखा रहा है, सेल्स टू इकट्ठी दिखा रहा है। ठीक है, इसी वैल्यू फील्ड को अगर मैं यहाँ पे रो में ले आता हूँ, यहाँ कैसे दिखा रहा है, तो सेल्स वन सेल्स टू इस तरह से दिखा रहा है। ठीक है, इसी वैल्यू को सिटी के ऊपर कर दूंगा तो क्या दिखाएगा, सेल्स वन यहाँ पे दिखा देगा, सेल्स टू यहाँ पे दिखा देगा। तो डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है, आप इससे वैल्यू के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं टू वाले को हटा देता हूँ। हाँ, तो मैंने परसेंटेज में चेंज किया, और इसके बाद मुझे चाहिए कि कॉलम का परसेंटेज है, अभी तो ये परसेंटेज था कॉलम का या रो का। अब कॉलम टोटल क्या होता है, कॉलम का जो टोटल होगा ये 100% हो जाएगा, और ये ऊपर वाली वैल्यूज को बताएगा कि इस 100% में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये सारी 100% हो गई, और इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, वैसे ही इसी के साथ वैल्यू चाहिए तो वैसे ही ड्रैग करके दिखा सकते हो। ठीक है, इसी में ऑप्शन होता है आपका परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल जैसा ही, परसेंटेज ऑफ रो टोटल। ठीक है, अब रो 100% हो गई और इनका क्या कंट्रीब्यूशन है वैसे आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका परसेंटेज ऑफ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी को बेंचमार्क बना देंगे किसी एक सेल को, मतलब कि जैसे मान लो कि इनका हो गया टारगेट हर सिटी का, तो मैंने कहा ये जो फरीदाबाद की सेल्स है यही टारगेट है सबके लिए, तो उसके अगेंस्ट क्या परसेंटेज रही है सबकी। ठीक है, तो मैंने ये फरीदाबाद सिलेक्ट किया, ओके, तो ये वाली 100% हो गई, और इसके अगेंस्ट कौन कितनी परसेंटेज रख रहा है वो आपको दिख रहा है, कौन इससे ऊपर है कौन इससे नीचे है, ये देख पा रहे हो आप। ठीक है, इसके बाद ये पेरेंट का छोड़ दो, डिफरेंस फ्रॉम, अब इसी में ही आपको दिखाना है कि अच्छा टारगेट नहीं बनाते, इससे कितना कम ज्यादा है वो, तो ये हो गया आपका 0, ये 131 कम है, ये 3 ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है। ठीक है, इधर वाली वैल्यू से, हाँ हाँ ये नंबर्स में आ गया कि कम ज़्यादा कितना है। ठीक है, और परसेंटेज में चाहिए कि कितने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है, तो यही इनका परसेंटेज बना देगा कि ये -13%, हाँ 13% कम है, ये 31% ज़्यादा है। ठीक है, तो एनालिसिस जो भी होता है ना आपका, इसी से हो जाता है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। रनिंग टोटल इन, रनिंग टोटल क्यूमुलेटिव टोटल होता है जो आपका, अब जैसे आपका ये फरीदाबाद की सेल इतनी है, फरीदाबाद और नोएडा की मिला के कितनी है, 1781, तो ऐसे ऐसे करते करते आपका नीचे जो मिलेगा वो आपको टोटल मिल जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो ये परसेंटेज रनिंग टोटल इन है,
ठीक है, तो 13% यहाँ तक सेल हुई, 24% करते करते लास्ट में यहाँ 100% सेल हो गई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है रैंक। रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट दे देता हूँ, तो रैंकिंग कर देगा किसकी कितनी सेल हुई है। अब जैसे संदीप की सेल में हिसार में सबसे ज़्यादा हुई है, ठीक है, यहाँ पे रैंकिंग क्या है विकास में, या दिल्ली में सबसे ज़्यादा हुई है उसकी, तो ऐसे रैंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशन आ जाती है टोटल का, ये इंडेक्स में कुछ आती है, परसेंटेज कुछ अलग आती है, हालांकि ये इसका ठीक से अंदाज़ा मुझे खुद नहीं है। इसमें क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है ना, उसको चेंज करने से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है डेटा पे। ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, अगर आप चाहते हो कि जैसे वहाँ के मैं प्राइस 10% बढ़ा दूँ, या किसी प्रोडक्ट के आप देख रहे हो, तो उससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डेटा में कहाँ से आएगा, तो यहाँ से होता है। इसका एक बार ट्यूटोरियल देख लेना आप, नेट पे मिल जाएगा, अगर इस तरह का कोई काम हो कि जहाँ पे इम्पैक्ट जानना हो कि मेरे पास डेटा है 36 प्रोडक्ट हैं, किसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दूँ कि पूरे डेटा पे, मतलब प्राइस भी ज़्यादा ना बढ़ाना पड़े और इम्पैक्ट भी ज़्यादा आ जाए, मुनाफा ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो बाकी पहले जैसा नॉर्मल करना है तो इसको नो कैलकुलेशन पे ले आओ। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा कैलकुलेटेड ग्रुपिंग, कैलकुलेटेड फील्ड, और ये एनालिसिस के लिए शो वैल्यू एज। ठीक है, तीसरी चीज शायद मैंने पहले दिखा दी थी कि जैसे मेरे को अगर रिपोर्ट बनानी है, मैं नेम यहाँ ले आता हूँ, सिटी वाइज रिपोर्ट बनानी है, हेड्स को भेजनी है कि किस सिटी में किसकी क्या सेल हुई है, प्रोडक्ट भी ले आता हूँ, चलो मेरे पास डेटा है, तो जैसे ये डेटा है मेरे पास, अब किस सिटी में क्या सेल हुई है ये मुझे दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, शीट्स बनानी है मुझे, हाँ, तो मैं जाऊँगा किस में, यहाँ पे ऑप्शन है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, तो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस में आपने जो रिपोर्ट फिल्टर में डाला होगा ना यहाँ पे, वो आपका इधर आ जाएगा, और जैसे ही ओके करेंगे शीट्स बन जाएंगी हर एक सिटी की। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, अब देखो शीट तो बन गई, अब ये डेटा भेजेंगे तो पिवट का, तो वो तो निकाल लेंगे पिवट से भी डेटा, अगले का देख लेंगे करके, तो उसके लिए क्या करना है, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और दूसरा थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी कर दूँ, तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बॉर्डर अप्लाई कर दिया मैंने, और इसको मैं कर देता हूँ अब शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, ओके। अब क्या हो गया, मेरे पास मेन शीट में मेन वाला पाइवट है, और बाकी यहाँ पे डेटा है सबका, इनको मैं यहाँ से शिफ्ट क्लिक किया, शिफ्ट से करके यहाँ सेलेक्ट कर लिया, अब मेरे पास ये सारी शीटें सेलेक्ट हो गई। इसमें क्या होता है कि जैसे आप एक शीट में कुछ भी लिखते हो ना, तो इन सब में वही चीज़ वही काम होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, कॉपी किया, पेस्ट एज वैल्यूज़ कर दिया, तो अभी पिवट हट गया। अब थोड़ा सा फॉर्मेट करना है मैंने, कि जैसे फरीदाबाद की सेल है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, सेल्स रिपोर्ट, बॉर्डर मैंने पहले इसलिए लगाया क्योंकि बॉर्डर क्या है कि बाद में, क्योंकि डेटा ऊपर नीचे होगा तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि कितना डेटा है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हो जो भी करना है, यहाँ पे मैं नेम कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मेटिंग हो गई, और आप देखोगे यही फॉर्मेटिंग सबके ऊपर हो चुकी है। अब आप एक मैक्रो से किसी का भी भेज सकते हो तुरंत। ठीक है, तो आधा काम तो आपका यहाँ से हो गया इस ऑप्शन से। ठीक है, तो अब इसमें और ऑप्शन देखते हैं, इसके बाद थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का देख लेते हैं कि फॉर्मेटिंग के लिए हम क्या क्या करते हैं। नो बॉर्डर, HBN, तो
मैं इसको अभी दिखाता हूँ। तो आप इसके अंदर फॉर्मेटिंग ऑप्शन देखते हैं, एनालाइज के बगल में ही आपका होता है डिज़ाइन, ठीक है। डिज़ाइन में सबसे पहले तो जैसे दिखाता हूँ आपको सब टोटल, सब टोटल कैसे आते हैं, जैसे सिटी मैंने इसके नीचे ले लिया, तो अब ये सिटी का ये टोटल आ रहा है, ठीक है। तो सब टोटल, डू नॉट शो सब टोटल, शो ऑल सब टोटल बॉटम ऑफ द ग्रुप, नीचे आ जाएगा, ठीक है। टॉप ऑफ द ग्रुप, टॉप पे आता है, ठीक है। ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल कौन से होगा, एक यहाँ पे आ रहा है और एक सबसे नीचे आ रहा है, ठीक है। तो शो ग्रैंड टोटल को आप ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम के लिए हट जाएगा, ऑन फॉर रोज एंड कॉलम दोनों के लिए आ जाएगा, खाली रो के लिए रखना है रो के लिए रहेगा, खाली कॉलम के लिए रखना है कॉलम के लिए आएगा, ऑन कर दोगे दोनों के लिए आएगा, ठीक है। उसके बाद होता है रिपोर्ट लेआउट। कई बार हमें डेटा से डेटा बनाना पड़ता है, ठीक है। डेटा से डेटा कैसे बनाना पड़ता है, जैसे अब उसमें मुझे क्या चाहिए कि मेरी जो फील्ड है जहाँ पे नेम है जहाँ पे सिटी है वो अलग अलग कॉलम में होनी चाहिए। अभी देख रहे हो नेम और सिटी एक ही कॉलम में है, तो इसके लिए आप रिपोर्ट लेआउट पे जाओगे। इसमें हम दो ही मेजरली यूज़ करते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म और टैबुलर। अभी जिसमें काम कर रहे हैं वो कॉम्पैक्ट है, तो टैबुलर में जब करेंगे तो क्या होगा, ये नेम इधर आ गया, सिटी इधर आ गया, ठीक है। अब नेम सिटी इधर आ गया, अब आपने क्या करना है, अब जैसे डेटा से डेटा बनाते हैं तो ये तो हमें एक तो चाहिए कि ये चलो टोटल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो टोटल तो मैं यहाँ से कर दूंगा, डू नॉट शो सब टोटल। फिर मैं चाहूँगा कि ये नेम जो है रिपीट हो जाए यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका रिपीट ऑल आइटम लेबल्स, ठीक है, इस तरह से। और ग्रैंड टोटल वगैरह हटा सकते हो, तो ये आपका डेटा टाइप सब बन गया, ठीक है। डू नॉट रिपीट करोगे हट जाएगा। वापस मैं लगा देता हूँ शो टप सब टोटल। अब मैं चाहता हूँ कि अब चलो सब टोटल दिखा दिया, ये चीज़ जो है ये मर्ज हो जाए, है ना। कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है हमें मर्ज करने की, इसको हम अलग से कॉपी पेस्ट करके करते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करो, पिवट टेबल ऑप्शन जो होते हैं उसमें जाओ। इसमें जो पहला ही टैब है लेआउट एंड फॉर्मेट में, उसमें है मर्ज एंड सेंटर सेल विद लेबल, इसको करोगे तो ये मर्ज हो जाएगा, तो ये डाटा आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसका जो चीज़ है ये आपको यहाँ पे भी दिखेगी, जैसे नेम किया है मैंने प्रोडक्ट के ऊपर ले आता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे ये भी मर्ज आएगा, ठीक है। अगर बॉर्डर पड़ा होगा तो सही से दिखेगा, है ना। तो इनका फॉर्मेटिंग के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। हटाना है, वापस चले जाओ पिवट टेबल ऑप्शन में, मर्ज एंड सेंटर को हटा दिया। इसके बाद अब जैसे मान लो एक लाइन का गैप चाहिए आपको, तो ये ब्लैंक रो का है, ब्लैंक रो इंसर्ट ब्लैंक लाइन, ठीक है। तो ये हर एक लाइन आपकी ऐसे इंसर्ट हो गई, ठीक है। रिमूव ब्लैंक लाइन, तो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन कौन से आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हैं आपके पास, अलग सा कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर लो जो चाहिए, जैसे ये ले लेते हैं। अब इसमें ये होता है रो हेडर, कई बार ये अजीब सा लगता है, लगाना ही नहीं लगाना, आप यहाँ से लगा सकते हो। कॉलम हेडर, बैंडेड रो, बैंडेड कॉलम, ठीक है। जैसे अभी मुझे रो हेडर नहीं चाहिए, तो इस तरीके से आपका रिपोर्ट अच्छे से फॉर्मेट हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्मेटिंग ऑप्शन। इसके अलावा अब बात करते हैं इसकी, स्लाइसर यूज किए हैं, स्लाइसर दिखाता हूँ कैसे यूज होते हैं। अब मान लो मेरे को, मैं नेम बेस पर डेटा ले रहा हूँ, ठीक है, ये सेल्स है, या मैं नेम को इधर कर देता हूँ और सिटी को इधर, नेम को हटा देता हूँ, सिटी ले ली। अब हर किसी सिटी में क्या सेल्स आ रही है मुझे पता पड़ रही है, मुझे थोड़ा सा डैशबोर्ड टाइप का लुक चाहिए इसमें,
ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर है, स्लाइसर इंसर्ट करूँगा। स्लाइसर बेसिकली आपका एक फिल्टर है, ठीक है। तो उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि जो यहाँ पे हमने फील्ड दे रखी है उस फील्ड को नहीं लेंगे, ठीक है। ले सकते हैं पर ना लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। मैं क्या किसको ले रहा हूँ, पहले नेम को ले रहा हूँ, ठीक है, और सिटी को भी ले लेता हूँ। चलो अब ये आ गया, नेम और सिटी, एक तरह का फिल्टर ही है आपका। अब मैंने कहा संदीप की, अच्छा सिटी तो मेरे पास था ना, तो इस सिटी को करूँगा तो यहाँ पे ऐसे आएगा, तो इसका नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। वैसे यहाँ से मैंने सिटी का हटा दिया, और यहाँ से फ़िल्टर ज़रूर खोल लूँगा, फ़िल्टर तो चलो नहीं किया मैंने इसमें, पर है तो फ़िल्टर खोल दूँगा। और नेम का था और प्रोडक्ट का था, प्रोडक्ट 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 इंसर्ट स्लाइसर प्रोडक्ट, ठीक है। तो संदीप की माउस की सेल कितनी है, पेन ड्राइव की कितनी है, ठीक है, अलग अलग तरह से आप इनका देख सकते हो। आप इसको ऐसे भी इनको सेट कर सकते हो, कैसे सेट कर सकते हैं इसको, जैसे कि अब इसको मुझे नीचे डालना है तो ये एक ही कॉलम में डेटा आ रहा है, मैं चाहूँ तो इसको किस में कर सकता हूँ, कॉलम में, ये ऑप्शन स्लाइसर टूल में ऑप्शन आ जाता है। तो कलर भी कोई भी चूज़ कर सकते हो इनका, और दूसरा कॉलम कितने रखने हैं, तो मैं कह देता हूँ मुझे चार कॉलम रखने हैं, तो ये चार कॉलम लायक बन गया, और इसको ड्रैग ड्रॉप करके मैं वैसा बना दूँगा कि इसमें चार पांच नाम जितने भी हैं वो ऐसे दिखा देगा, ठीक है। ये मैंने रख दिया, इधर रख दिया, और इसको मान लो कि ये वैसे ही काम चल जाएगा, तो मैं इसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करूँगा, इसको ऐसे ही रखा रहने दूँगा। ये मैंने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे भी इनका मज़ा उसके साथ आता है जब आप इनका चार्ट यूज़ करो, क्लिक करो यहाँ पे, एनालाइज में ही चले जाओ, पिवट चार्ट है, चार्ट निकाल लो सिंपल सा कोई भी, ये ले लिया मैंने, राइट क्लिक, ऐड डेटा लेबल, जिससे कि वैल्यू दिखे। अब आप इसको, लोग क्या करते हैं इसको ऐसे ही सेट कर देते हैं, डेटा को पीछे कर देते हैं, तो ये हुआ, और प्रोडक्ट भी इसके साथ सेट कर देते हैं, चाहे ऐसे कर दो, ठीक है। तो जैसे ही आप करोगे यहाँ आप उसका इम्पैक्ट देख सकते हो। तो बेसिकली डैशबोर्ड जो होते हैं पिवट वाले, वो ऐसे ही बनते हैं, कैसे भी अपनी रिपोर्ट दिखा सकते हैं उसमें। किसके ऊपर, ये तो मूवेबल है, हाँ, तो वैसे काइंड ऑफ अटैच कुछ कर सकते हैं कि मूव ना हो, मूव ना हो, मूव ना हो तो मेरे ख्याल से उस पे कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, तो हम प्रोटेक्ट शीट करें तो क्या ये मूव होगा, नहीं तब ये चलेगा भी नहीं। हाँ देख लेते हैं, राइट स्लाइसर सेटिंग, मूव ऐसा मेरे ख्याल से होता तो नहीं है, प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से लॉक्ड की आनी चाहिए इसमें, अगर लॉक्ड का कहीं होगा तो हो जाएगा, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कभी इसकी। और कभी आपको जैसे नाम आ रहा है, नाम ना दिखाना हो या कुछ और दिखाना हो, तो यहाँ से आप डिस्प्ले हेडर को ऑफ कर सकते हो, तो ये हेडर नहीं दिखाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसको जो कलर स्कीम है आप इसके जैसे ही चूज़ कर सकते हो, जैसी चार्ट की, ठीक है। तो ये सेटिंग्स है इसकी, जिनको यूज कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा अब किसी बंद शीट है, जैसे मान लो कि यही शीट है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, बंद शीट करने से पहले इसको देखते हैं कि जैसे हमें इसमें क्या दिक्कत होती है, कि कई बार हमने कोई नई एंट्री ली तो उसको क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है ना, मतलब एक तो इसकी रेंज बढ़ानी पड़ती है सबसे पहले, तो बीच में अगर चेंज करते हो तो वैसे हो जाता है, ठीक है।
ठीक है, बीच में करते हो, तो उसके केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको ना टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है कंट्रोल टी से कर सकते हैं या इंसर्ट में टेबल जाके होता है, ठीक है, माई टेबल हैज़ हेडर क्लिक होना चाहिए, तो हेडर्स आपके आ गए। अब इसके अंदर क्या है कि जब आप ये चेंज डेटा सोर्स में जाते हो तो आपके पास ये ऑप्शन होता है टेबल देना है कि रेंज देना है, तो आप टेबल का नाम दे सकते हो। टेबल का नाम कहाँ से पता पड़ेगा, इस पर क्लिक करोगे टेबल टूल्स आ रहा है, यहाँ पे टेबल का नाम है, आप चाहे कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अब डेटा हो गया, डेटा का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डेटा का मतलब ये पूरी टेबल, ठीक है। डेटा के अंदर कुछ चाहिए तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हम किसको भी ऐसे ले सकते, ये भी एक तरह की नेम्ड रेंज है। जैसे आप देखो सेल्स वन टारगेटेड है, इसको आप किसी भी फार्मूला के अंदर ले सकते हो, ये भी डायनेमिक रेंज जैसा ही काम करेगा, ठीक है। करंट रो का चाहिए तो ऐट द रेट होके आता है, आप क्लिक करोगे आपको पता पड़ जाएगा जब टेबल में, जैसे डेटा ऐट द रेट सेल्स वन, ऐट द रेट का मतलब है करंट रो की वैल्यू, ठीक है। तो उसके बाद हाँ, अब हम क्या कर रहे थे, चेंज डेटा सोर्स कर रहे थे इसमें, तो हम टेबल का नाम देंगे जो कि है डेटा, इसमें शीट नेम देने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब उसमें कुछ भी मैं एंट्री अगर बढ़ाता हूँ तो टेबल की एक ख़ास बात होती है, उसकी एक रेंज होती है, ये छोटा सा एक आपको निशान दिख रहा होगा इस पर, ये एक्सपेंडेबल होता है, ठीक है। तो टेबल रेंज यहाँ से काउंट करता है, जितना बड़ा ये होगा, कलर से नहीं, रेंज यहाँ से पकड़ेगा। अगर आप ऐसे करोगे तो देखोगे यहाँ पर नंबर चेंज हो जाएंगे क्योंकि रेंज कम हो गई है, और इसको अगर हम बढ़ा दें तो वही रिफ्रेश करेंगे, ये बढ़ गए, ठीक है। और यहाँ पे कोई नई एंट्री होती है, ठीक है, तो ये अपने आप बढ़ता है, हालांकि कॉपी पेस्ट भी करोगे तब भी बढ़ जाएगा, अगर ना हो तो बस इस रेंज को पकड़ के खींच लो नीचे। तो आप जैसे ही इसको करोगे यहाँ पे नई एंट्री हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ है, और टेबल को हटाना कैसे है, टेबल टूल्स में जाके यहाँ से करना है आपको कन्वर्ट टू रेंज, कलर बेशक वही रहेगा, टेबल हट जाएगा। टेबल हटने का पता कैसे पड़ेगा, आपके टेबल टूल्स हट जाएंगे, और दूसरा जब टेबल को आप ऐसे नीचे करते हो ए बी सी डी जी की जगह उसके हेडिंग्स होते हैं, ठीक है। अब जो मैं कह रहा था कि किसी मतलब फाइल आपकी बंद हो और एक बार ओपन कर लेते हैं, हाँ ठीक है, तो मैंने नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उस ये जो फाइल पड़ी हुई है मुझे इससे वो लगाना है, पिवट लगाना है बगैर उस फाइल को खोले हुए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा के अंदर हम अलग अलग सोर्सेज से डेटा ले सकते हैं, एक्सेस से ले सकते हैं, कहीं से भी फ्रॉम वेब ले सकते हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा आगे भी। तो हम अभी क्या करेंगे, पहले कनेक्शन बनाना होगा क्योंकि एग्जिस्टिंग में नहीं होगा ये हमारे पास, तो कनेक्शन बनाना होगा। इसमें हम ऐड करेंगे और ब्राउज फॉर मोर पे चले गए और यहाँ से वो फाइल देख लेंगे जहाँ वो फाइल पड़ी हुई है, ये पिवट डेटा के नाम से, ठीक है। इसमें बताया कौन सी शीट में है, तो मैंने कहा कि शीट 3 में था ये डेटा और फर्स्ट रो में इसके हेडर्स हैं, हेडिंग जो है वो फर्स्ट ही रो में है। ओके किया, क्लोज किया। अब एग्जिस्टिंग कनेक्शन में आपको ये कनेक्शन मिल गया पिवट डेटा का, आपने इस पर डबल क्लिक करना है, टेबल फॉर्म में चाहिए, पिवट टेबल रिपोर्ट में चाहिए, पिवट चार्ट में चाहिए, तो आप दे सकते हो यहाँ से, एग्जिस्टिंग में चाहिए नई में चाहिए आप दे सकते हो। ओके किया और यहाँ पे वही फील्ड्स आ गई आपकी, आप चाहो तो फिर वही डेटा आपका यहाँ दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये उससे लग गया हमारा कनेक्शन। कनेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप जाके देखोगे, जैसे मैं जाता हूँ डेटा में गया, कनेक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो अभी क्या है, पिवट डेटा से जो आ रहा है कनेक्शन, आप चाहते हो कि जैसे वो पीछे अपडेट होती रहे फाइल, कहीं और से अपडेट हो रही है,
तो ये क्या करे कि डेटा को फेच करता रहे 5 मिनट बाद या 1 मिनट बाद तो आप यहाँ पे टाइम दे सकते हो, इनेबल बैकग्राउंड रिफ्रेश कर देना और ऐसे कर देना, तो ये क्या करेगा अपने आप ही उससे रिफ्रेश होता रहेगा। अब पिवट आपको खुद रिफ्रेश करनी होती है, पर कनेक्शन जो होता है आपको यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हो, चाहे मैन्युअली क्लिक करके चाहे वैसे। ठीक है, इसका यूज इसलिए भी करते हैं कई बार ना हमारी फाइल जैसे करप्ट हो गई होती है, तो डेटा जो निकालना होता है ना, हम कहते हैं यार कुछ भी निकाला है उसमें से, तो आप कनेक्शन बना के निकाल सकते हो, कुछ हद तक डेटा आपका निकल आएगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग में जाके इसको क्लिक किया और टेबल में चाहिए टेबल में ले लो, टेबल में ही आता है मोस्टली, तो ये आपका डेटा निकल आया। अनलिंक कर दिया टेबल को, अनलिंक कर देंगे तो वहाँ से लिंक टूट जाएगा, पर अभी टेबल ख़त्म नहीं हुई है, अब जो डाटा हमने लास्ट उठाया था वो अनलिंक हो गया है, इससे रिफ्रेश नहीं होगा। ठीक है, कन्वर्ट टू रेंज करेंगे तब ये टेबल से कन्वर्ट होकर नॉर्मल रेंज में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद छोटी सी चीज़ें और भी हैं, 2-3 चीज़ें। पिवट टेबल ऑप्शन, इनको छोड़ दो क्योंकि ये सारे मैं वहीं दिखा चुका हूँ, शो एक्सपैंड कोलैप्स बटन है, आप देख सकते हो। डेटा के अंदर क्या होता है, डेटा के अंदर होता है सेव सोर्स डेटा विद फाइल। ये क्या होता है, पहले तो इनेबल शो डिटेल्स बताता हूँ। जैसे ही आप किसी ऑप्शन पे डबल क्लिक करते हो उसकी डिटेल दे देता है, है? तो अगर मैं इस ऑप्शन को डेटा के अंदर ऑफ कर दूंगा तो ये नहीं देगा। ठीक है, पर अगर बंदे को पता हुआ कि ये चीज़ है तो वो तो निकाल लेगा ऑन करके, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, पीछे से डेटा डिलीट कर दो, पिवट रखो और ये वाला भी हटा दो। तो जैसे पिवट दोगे उसे वो वैसी ही रहेगी, उस पर डबल क्लिक करने से और वो वापस इनेबल कर भी देगा ना तो भी डेटा नहीं आएगा क्योंकि है ही नहीं उसके पास। हाँ, तो चाहे तो पिवट को फॉर्मेट करके ऐसे ये दोनों ऑप्शन ऑफ करके भेज सकते हो, पीछे से बेस डेटा डिलीट कर दो तो वो फॉर्मेटिंग का वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक ही स्लाइसर की सेटिंग में मैंने एक चीज़ और दिखानी थी। स्लाइसर में ही टाइमलाइन है, ये खाली 2013 के अंदर ही है, पिछले वर्जन्स में नहीं है। तो इसमें क्या है कि आपका जो डेट वाली फील्ड होती है ना, डेट टाइम की, वो आ जाती है। ये भी वैसा ही टूल है। तो इसमें क्या है कि आपका ये टाइमलाइन आ गई, जुलाई में कितनी सेल थी, ये है आपको अलग अलग, आप ऐसे क्यूमुलेटिव करके भी देख सकते हो। तो ये तो पुराना है, मैं नए में आता हूँ, 2019 पहुँच गया ये यहाँ। तो इस तरह से ये टाइमलाइन का देख सकते हो, यहाँ मंथ में देखना है, अपने क्वार्टर्स में कर दो, क्वार्टर वन, ठीक है, फुल ईयर है मान लो, यहाँ से ये आप इसको ड्रैग करके पूरा इसका दिखा सकते हो। ठीक है, ईयर में दिखाना है या डेज में दिखाना है तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज करके लगा सकते हो। ठीक है, ये भी वैसा ही चलेगा आपका जैसे स्लाइसर है, बेसिकली एक तरह के फिल्टर ही है। ठीक है, तो आज का हम पिवट का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है।